हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला इडियम हम देखेंगे 25 नंबर पे है, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। दोस्तों, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड का मतलब है बड़ा ही एग्रेसिव होना, कोई चीज में बहुत ज्यादा तेजी से जाना, इंटेंसिटी से जाना, एग्रेशन दिखाने को कहते हैं एग्रेसिव होना। उसके लिए हार्ड नोज्ड एटीट्यूड मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नोज्ड है, ऊंची नाक रखने वाले हैं, ऐसा एक अलग ही रवैया है, नजरिया है दोस्तों। I don't know, मुझे नहीं पता why my teacher always has a hard nose attitude towards me। मुझे नहीं पता कि मेरी टीचर जो है वो हमेशा मुझ पर hard nosed attitude क्यों रखती है, मतलब मेरे प्रति बहुत aggressive क्यों रहती है, ऐसा कहते हैं मुझे हमेशा डांटती क्यों रहती है। अब अगर काम ऐसे करोगे तो जाचेगा कोई भी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊँ दोस्तों बहुत ही शानदार सीरीज एस पी बख्शी के वीडियोज लगातार हम लेके तले आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्लास स्पीड में चल रहा है ये, और आगे हम बढ़े। उससे पहले बता दूं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश इस किताब का नाम है, और आज की मिठाई हमें खानी है। तो दोस्तों, आज की मिठाई अगर नहीं खाई तो फिर क्या किया बताइए। चलिए, यहाँ पे मैं लिए चलता हूँ आपको आज की मिठाई पे, यानी कि आज का इंग्लिश का वर्ड। आज का इंग्लिश का वर्ड शायद कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा होगा दोस्तों, डाउनट्रोडन। डाउनट्रोडन का मतलब होता है अब्यूज्ड और ऑप्रेस्ड बाय पीपल इन पावर। सिंपल सीधी सी बात है, कोई पावर में अगर इंसान है और वो आपको दबा रहा है, आपको बहुत दबिश में रखा हुआ है, आपको सप्रेस कर रखा है, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो फिर आप क्या है दोस्तों, डाउनट्रोडन है। अब्यूज्ड यानी गाली दिया जा रहा है, ऑप्रेशन यानी बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, कोई काम आपका नहीं होने दिया जा रहा है, उसे कहते हैं डाउनट्रोडन है आप। The building was dedicated to the torch that burned bright, lit for the downtrodden in the Lebanon. Lebanon के जो लोग, जो बड़े ही गरीब तबके के थे, जो अमीरों द्वारा दबाए गए थे, उनके लिए यह बिल्डिंग बनाई गई थी, ऐसा ये वाक्य एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश का हर वीडियो में एक इंग्लिश का नया वर्ड मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, और उस वर्ड को डेफिनेटली आपको याद करना चाहिए, लिख लेना चाहिए, और उस पर एक एक सेंटेंस जरूर बनाना चाहिए। इडियम्स चल रहे हैं इस किताब के, बहुत ही प्यारे प्यारे इडियम्स हैं दोस्तों। एच में 26 नंबर पे आ गए हैं दोस्तों। होल्ड इन लीश का मतलब है टू रिस्ट्रेन, यानी कि दूर रहना, बच के रहना। एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ द पार्टी यू मस्ट होल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्कर इन लीश। सीधी सी बात है, अगर आप नेता हो, पार्टी के बड़े नेता हो, मतलब टॉप के आदमी हो, आप अगर हर चीज पे ध्यान दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ चीजें ये समझ लीजिए इग्नोर करनी चाहिए, उससे रिफ्रेन करना चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए। का मतलब क्या है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल लीडर अगर होंगे तो आपको क्रिटिसिज्म जो पार्टी वर्कर्स के हैं उनको रोकना चाहिए, उनको रिस्ट्रेन करना चाहिए किसी तरीके से, आपके प्रति इस तरह का पार्टी वर्कर्स जो है क्रिटिसाइज ना करें, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए, मतलब उन्हें रोकना चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए, उनको दबा देना चाहिए, उनको रिस्ट्रेन कर देना चाहिए। तो होल्ड इन लीश कहते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 27 पे है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का मतलब है सुपीरियर, यानी कि आप देख सकते हैं सिर भी ऊपर होता है, शोल्डर यानी कंधे भी ऊपर होते हैं, तो उसके लिए कहा जा रहा है हेड एंड शोल्डर, यानी कि आप ये समझ लीजिए सुपीरियर है, जो टॉप के लोग हैं, लीडर्स हैं जो, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। द अटल बिहारी वाजपेयी इज हेड एंड शोल्डर अबव हिज प्रेडिसेसर्स। जो भी उसके प्रेडिसेसर्स हैं, जो भी उनसे पहले आए थे, उनसे भी ज्यादा सुपीरियर हैं, उनसे भी और बेहतर हैं, उनसे भी ज्यादा टॉप का पर्सन रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी उनके पार्टी के लिए। होल्ड अ ब्रीफ, होल्ड अ ब्रीफ का मतलब है टू डिफेंड समवन, किसी चीज को, किसी इंसान को डिफेंड करना। इट इज वेरी इम्प्रॉपर फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्प्रॉपर हो जाता है कि उनको होल्ड अ ब्रीफ देयर चिल्ड्रन हु आर इन द रॉन्ग। अब एक्चुअली क्या हो जाता है, डिफेंड का मतलब होता है उनका उनका सहयोग करना, उनका रोकथाम करना, उनको डिफेंड करना। डिफेंड कैसे करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो गलती किए है और आप उनके डिफेंडर हैं, यानी उनको बचाव करने वाले हैं, उनको रोक रहे हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे गलती करते हैं उनके माता पिता अगर उनको डिफेंड करते हैं, यानी कि उनका होल्ड अ ब्रीफ करते हैं, तो ये फिर इम्प्रॉपर बात हो जाती है, उनके लिए गलत हो जाता है। क्योंकि अगर छोटे बच्चों को माता पिता नहीं समझाएंगे, उनकी गलत आदतों को और ज्यादा प्रश्रय देंगे,
तो फिर तो गलत है ना ये सेंटेंस ऐसा कहना चाहिए, इट इज वेरी इम्प्रॉपर। तो बहुत ही ज्यादा गलत है उन पेरेंट्स के लिए कि जो बच्चे उनके गलत काम कर रहे हैं, हु आर इन द रॉन्ग, जो गलत दिशा में है, जो गलत संगत में है, जो काम गलत ही कर रहे हैं, उनको अगर आप डिफेंड कर रहे हो, डिफेंड का मतलब है उनका बचाव करना, डिफेंसिव यानी बचाव करना, सिक्योर करना, उनको सेफ करना, ये उनके लिए बड़ा इम्प्रॉपर है। 29 नंबर दोस्तों, हश मनी। हश मनी का मतलब दोस्तों ब्राइब होता है, और ब्राइब का मतलब होता है घूस, रिश्वत। ही मैनेज टू एस्केप पनिशमेंट बाय पेइंग हश मनी। सीधी सी बात है, उसको पनिशमेंट होने वाली थी, उसने किसी प्रकार से मैनेज किया कि भैया वो अपने पनिशमेंट से बच जाए, हश मनी दे दिया यानी ब्राइब दे दी, घूस दे दी, हथेली गरम कर दी। ग्रीस द पाम भी आता है, ग्रीस द पाम यानी कि घूस देना, रिश्वत देना, हश मनी यानी एज अ घूस। आज का आखिरी 30 नंबर दोस्तों, होल्ड एट बे। होल्ड एट बे का मतलब टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग। आपने अपने दुश्मन को आने से ही रोक दिया, आपने दुश्मन का पहले से ही इलाज कर दिया। महाराणा प्रताप कुड नॉट होल्ड मुगल आर्मी एट बे फॉर लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक वो नहीं रोक पाए, रोकथाम नहीं कर पाए, वो प्रिवेंट नहीं कर पाए एनिमी को आने तक। यानी एनिमी का आना, एनिमी को रोकना इज नोन एज होल्ड एट बे। होल्ड एट बे का मतलब है दुश्मन से पहले आप उसको रोक देना। यहां दोस्तों समाप्त होते हैं आज के इडियम्स। अगले वीडियो के अंदर एच को भी खत्म कर देंगे हम लोग। बस आप लगातार इसी तरीके से बने जाइए, बनते चले जाइए, और दोस्तों मजा आ जाएगा बहुत सारा अगर आप तैयारी इस तरह से करते जाएंगे। दोस्तों ये बहुत जरूरी है इडियम्स को अच्छे से तैयार करना। मेरे एक एक वीडियो में बहुत सारे इडियम्स आ रहे हैं, तो लगातार आप लोग हमारे साथ बने जा रहे हैं। बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, तैयारी करो, बहुत दमदार तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, मजा ही आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। धन्यवाद। प्लीज लाइक,